एक गांव में एक छोटी लड़की सुरभि अपनी माँ के साथ रहती थी। सुरभि गरीब परिवार से थी, केवल घर में उसकी माँ ही थी जो कमाती थी। सुरभि की माँ एक एक पैसा जोड़कर अपना घर चलाती और सुरभि को पढ़ाती थी। सुरभि जितनी समझदार थी उतनी ही नटखट लड़की थी। सुरभि के आसपास के बच्चों के माँ बाप पैसे वाले थे, इसलिए उनके पास तरह तरह के महंगे खिलौने देख सुरभि को खुद की टूटी हुई गुड़िया से शर्म आ जाती थी। माँ माँ, हम कब अमीर बनेंगे? ये कैसी बात कर रही हो बेटा तुम? माँ बताओ ना, मेरा भी उन बच्चों की तरह बड़े खिलौनों से खेलने का दिल करता है। सुरभि की बात सुन उसकी माँ बहुत उदास होती है। बिटिया, अब तुझे कैसे समझाऊं कि यह गरीबी तो हमारा खून ऐसे ही पीती रहेगी। और धीरे धीरे होली का समय पास आने लगा। जैसे जैसे होली की तैयारियां शुरू हुई, सभी लोग रंग बिरंगी पिचकारियों से खेलने लगे थे। सुरभि भी अपनी माँ से उसके लिए पिचकारी लाने की जिद करने लगी। माँ माँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो ना, मुझे भी होली खेलनी है। सभी लोगों की तरह पिचकारी से रंग फेंकना है, मुझे पिचकारी ला दो ना माँ। बिटिया, तू तो सब जानती है, इस बार मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पिचकारी ले आऊंगी, अभी तुम इस बोतल से खेल लो। और पास खड़ी पुरानी सी एक बोतल उठाकर देती है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नकली खिलौने माँ। मेरे पास एक भी रंग नहीं है और ना ही नए कपड़े हैं। मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। हम गरीब क्यों हैं माँ, हम गरीब क्यों हैं? सुरभि की बातें सुन उसकी माँ भी रोने लग जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन उदास सुरभि बाहर अपने दोस्तों के साथ अपनी पुरानी बोतल में सादा पानी भरकर खेलने जाती है, जिसे देखकर उसके दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाने लगते हैं। सुरभि, ये क्या है, एक बोतल? कहीं तो खेत में तो नहीं लेकर जा रही इसे? अरे अरे, देखो इसमें तो सादा पानी है। सुरभि के पास तो होली खेलने के लिए एक भी रंग नहीं है। इस बार सुरभि होली नहीं मना पाएगी और हम सब इसे कितना चढ़ाएंगे। मजा आएगा। सुरभि उनकी बातों को अनसुना कर इधर उधर देखती है तो उसे एक टूटी हुई पिचकारी दिखाई देती है और वो उसी को उठाकर खेलने लग जाती है, क्योंकि पिचकारी टूटी थी तो ना उसमें पानी भरता था ना ही निकलता। फिर भी वो खुशी से उसके साथ खेलने लगती है। सुरभि बाकी दोस्तों को देखकर एक बार फिर से अपनी टूटी पिचकारी में पानी भरकर उन पर फेंकने की कोशिश करती है, पर पानी भरने से पहले ही सारा पानी निकल जाता है और उस पिचकारी में से बस फश फश की आवाज आती है। यह देख सभी दोस्त उसका जोर से मजाक बनाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? अरे लगता है किसी का पेट खराब है, पर किसका? सुरभि का। आवाज नहीं सुनी? सब सुरभि का बहुत देर तक मजाक बनाते हैं। सुरभि रोते हुए भागकर गांव के बाहर जंगल में चली जाती है और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर जोर जोर से रोने लगती है। सुरभि रो रही थी कि तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, वो भी उदास। कौन कौन है यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी रंगों से भर दूंगी। रंग? हाँ, रंग बिरंगे ढेर सारे रंगों से। इतनी प्यारी बच्ची जो हो तुम। मेरे पास एक भी रंग नहीं है, ना ही पिचकारी। ऊपर से कुछ दिनों बाद होली भी है, बेचारी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। खिलौना तो दूर, होली के लिए हमारे पास खाने को मिठाई तक नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। पर आखिर तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आती? मैं तो सामने ही हूँ, बस तुम ही नहीं देख पा रही हो। सुरभि उस आवाज की दिशा में इधर उधर देखती है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वो इसे भी उसके दोस्तों का मजाक समझकर उदास होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी सुरभि की नजर पेड़ की खाल में रखे हुए एक बहुत ही सुंदर से बक्से पर पड़ती है। सुरभि पहले तो इधर उधर देखती है कि कहीं यह किसी और व्यक्ति का तो नहीं है और सुरभि को वो चोर ना बता दे, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। और तभी बक्से से वही मीठी आवाज आती है।
हाँ खोलो इसे प्यारी गुड़िया, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही हूँ, मुझे बाहर निकालो चलो। सुरभि उस बक्से को वहाँ से उठाकर जमीन पर रख देती है और उसे डरते हुए खोलती है। उस बक्से के अंदर से एक चमकती हुई सुंदर सी पिचकारी बाहर निकलकर हवा में लहराने लगती है। थैंक यू सो मच मेरी गुड़िया। कितने दिनों बाद बाहर की हवा में सांस ली है, वरना मैं तो ना जाने कितने सालों से इस छोटे से बक्से में कैद पड़ी थी। यह देखते ही सुरभि डर जाती है और बक्से को तुरंत बंद कर देती है और वो पिचकारी फिर से अंदर चली जाती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत अब मेरे गले पड़ गई? किसने रखा होगा इसे यहाँ? जरूर इसमें भी मेरे उन दोस्तों की कोई शैतानी होगी। अरे नहीं नहीं सुरभि, मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। पहले बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? यह बात बहुत सालों पहले की है, जब इस गांव में राम और श्याम दो भाई हुआ करते थे। राम बहुत ही अमीर भाई था जबकि श्याम गरीब था। राम छोटा और चालाक भाई था जबकि श्याम बड़ा भाई था पर बहुत ही भोला था। और एक दिन मैं श्याम को मिली। मैं कोई आम पिचकारी नहीं हूँ, यह श्याम को तब पता चला जब उसने मुझे चलाया और धीरे धीरे उसकी गरीबी कम होने लगी। यह बात उसके छोटे भाई राम को पसंद नहीं आई और तब उसने क्या बताओ आगे? नहीं नहीं, पहले तुम मुझे बाहर निकालो फिर आगे की कहानी सुनाऊंगी। और सुरभि उसे बक्से से बाहर निकालती है। हाँ अब अच्छा लग रहा है। तब उसने एक दिन धोखे से श्याम के पास से मुझे चुरा लिया और अपने साथ ले गया। सुरभि को अब पिचकारी की कहानी में मजा आने लगा था। अच्छा फिर क्या हुआ? तुमने तो राम को पहले से भी ज्यादा अमीर बना दिया होगा। उसने भी ऐसा ही सोचा था कि मैं उसके घर में सोने की बारिश कर दूंगी। उस पागल को यह नहीं पता था कि मेरा जादू सिर्फ साफ मन वाले लोगों के लिए ही होता है। उसने पूरे घर में पिचकारी मारी और मैंने उसका पूरा घर गोबर से भर दिया और उसने गुस्से में आकर मुझे इस बक्से में बंद कर दिया, यहाँ रख दिया ताकि शाम भी मुझ तक ना पहुँच पाए। पर अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत खुश होती है और सुरभि उसे उठाकर घर ले आती है और अपने बिस्तर के नीचे छिपा देती है। अगले दिन माँ कितनी परेशान होती है, पूरे दिन भर काम करती है और होली के त्योहार पर माँ के लिए कुछ खरीदने को पैसे भी नहीं है। जैसे ही सुरभि यह सोचती है उसके बिस्तर के नीचे रखे बक्से से एक रोशनी निकलती है और पिचकारी हवा में लहराती हुई सुनहरा पानी छोड़ती जाती है। सुरभि देखती है जहाँ जहाँ पानी की बूंदें गिरती हैं, वहाँ वहाँ एक छोटा सा सुनहरा पौधा उग जाता है जिसमें सोने के सिक्के लटक रहे थे। लो मेरी गुड़िया रानी, एक क्यों माँ के लिए ढेर सारी साड़ी खरीदो और अपने लिए भी परियों वाली ड्रेस ले आना। थैंक यू मेरी जादुई पिचकारी। सुरभि की माँ जब घर लौटकर आती है तो देखती है कि घर में सोने के सिक्कों की फसल लगी हुई है और वो एकदम चौंक जाती है। सुरभि ये सब आखिर क्या चल रहा है? सुरभि माँ को जादुई पिचकारी के बारे में सारी बात बताती है। पर माँ हमें किसी को भी यह बात बतानी नहीं है कि हमारे पास कोई जादुई पिचकारी है। इसके बाद सुरभि की माँ उस जादुई पिचकारी को उसकी आंखों के सामने जादू करने के लिए कहती है और देखते ही देखते जादुई पिचकारी घर में रखे सभी सामान को सोने में बदल देती है। यह देखकर सुरभि और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं। अच्छा मेरी पिचकारी, क्या तुम साधारण रंग भी बिखेर सकती हो? मेरे पास एक भी रंग नहीं है और सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। पिचकारी सुरभि को ढेर सारे रंग देती है और सुरभि अपनी पिचकारी लेकर बाहर खेलने जाती है। उसके सभी दोस्त उसकी पिचकारी देख बहुत जलने लगते हैं और सुरभि उससे रंग बिरंगे रंग बिखेर कर इतराने लगती है। सुरभि के दोस्त में से एक दोस्त था शेखर। शेखर सुरभि की पिचकारी देख बहुत अधिक जलने लगता है और अपने पापा से ठीक वैसी ही पिचकारी दिलाने के लिए कहता है। अगले दिन उसके पापा तंग आकर खुद बाहर आकर देखने आते हैं। मैं भी तो देखूं आज की ऐसी कौन सी पिचकारी है जिस पर मेरे बेटे का दिल आ गया है।
और जैसे ही शेखर के पापा उस पिचकारी को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और शेखर को वहां से ले जाने लगते हैं कि तभी पिचकारी की नजर भी शेखर के पिता पर पड़ती है और वो सुरभि के हाथ से छूटकर शेखर के पिता के सिर पर जोर जोर से मारने लगती है। अरे अरे ये क्या हो गया तुम्हें मेरी पिचकारी? बेकार बाप का बेकार बेटा कहीं का। मतलब? शेखर उसी राम का बेटा है जिसने श्याम के साथ धोखा किया था और फिर मुझे वहाँ जंगल में छोड़ आया। क्या ये है वो राम, मतलब रामलाल? पर ये तो मेरे ताऊजी हैं। और सुरभि पिचकारी को घर में जाकर श्याम की तस्वीर दिखाती है। और ये है मेरे पिताजी श्यामलाल। यही तो है श्याम, इस पिचकारी के मालिक। अब समझी मैं कि इतने सालों में तुम्ही ने मुझे क्यों ढूंढा, क्योंकि मेरा असली हकदार श्याम की तरह सच्चे मन वाला ही होना था। उधर राम शेखर को समझाता है। मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर पिचकारी लाऊंगा, पर तुम्हें उसे तोड़ना होगा। पर ध्यान रहे, भूल कर भी उसे खेलना मत। और जब सुरभि पिचकारी से बात कर रही थी कि तभी शेखर ने पीछे से आकर पिचकारी को कसकर पकड़ लिया। बाबा वैसे भी कल तो पिचकारी लाएंगे नहीं, तो एक बार इसे इस्तेमाल तो करके देख लेता हूँ। और शेखर जैसे ही पिचकारी से रंग फेंकता है, सामने से राम आ जाता है और पिचकारी से ढेर सारा गोबर निकलकर राम से चिपक जाता है और राम पूरा का पूरा गोबर में बदल जाता है। शेखर पिचकारी में झांक कर देखता है तो पिचकारी थोड़ा सा गोबर शेखर पर भी डाल देती है। आसपास खड़े सभी लोग शेखर और राम को देखकर हंसने लगते हैं। ये हुआ जैसे को तैसा, ये हुआ मीरा और श्याम के धोखे का बदला पूरा। और सुरभि और उसकी माँ के पास जाकर उन्हें ढेर सारा पैसा और चीजें देती है। राम और शेखर शर्म के मारे गांव ही छोड़ देते हैं। सुरभि और उसकी माँ अपनी होली बहुत मजे से मनाते हैं और सुरभि अपने जैसे बाकी गरीब बच्चों की भी मदद करती है। सुरभि और उसकी माँ जादुई पिचकारी के साथ चैन से जिंदगी बिताने लगते हैं।